हेलो जो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कैसे बच्चे लोग आई होप सबके सब अच्छे होंगे तो बच्चे आप लोग का स्वागत है के चैनल जस्ट मैं आज फिर आप लोगों के सामने आई हूँ क्या लेकर के आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लेकर के कौन सा फिजिक्स का कल हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के सैंपल्स पेपर आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सैंपल पेपर तो बी रेडी बच्चे आज के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिजिक्स का आई थिंक सो तो अभी तक मैंने एक बार भी सैम्पल पेपर आप लोगों के सामने नहीं लेके आई हूँ तो चलिए आज भी अच्छा लगेगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ऐसा कोई हार्ड रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होगा ना ही आज की क्लास में मैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ सारे थियोरटिकल क्वेश्चन हैं सारे आपकी लेक कॉन्सेप्ट वेस्ट हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है डोंट वरी बच्चे आपके मोशन और ग्राफ के क्वेश्चन नहीं है कि गोल यहाँ पे फंडे गोल हो जाने तो बैठ कर देखते हैं कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है हमारे वो देखते हैं आज हम ठीक है बच्चे तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्या फिजिक्स के सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट इंट्रोडक्शन हमारा तो माय नेम इज प्रियंका भारतीय एप डनमर बी एस सी हॉस्पिटालिटी फ्रोम आई एच भोपाल आई हैव टोटल थ्री ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने कुछ टाइम एज अ फिलजल पढ़ा रखा है इसके पहले ऑनलाइन के पहले तो इसके अलावा मैंने एज अ ट्रेनर भी मैरिड प्रोब आई टी सी के साथ काम कर रखा है तो ओवरऑल सब कम्बाइन करके मेरे पास तीन साल का एक्सपीरियंस है बच्चे आई होप आप लोगों को पढ़ने में मेरे से अच्छा लगता होगा और जैसा कि बच्चे आपको पता है आप टेलीग्राम चैनल पे भी जस्ट नाइन्थ टेंथ का ग्रुप अवेलेबल है तो जो बच्चे अभी तक जस्ट नाइन्थ और तो टेंथ के ग्रुप के साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो क्या करना है जल्दी से प्ले अपने फोन में प्ले क्या करना है आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है अगर है तो कोई बात नहीं और नहीं है तो जल्दी से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और है तो दिया गया जो लिंक है लिंक को क्या करना है जल्दी से कॉपी कीजिए ज्वाइन कर लीजिए जस्ट क्लास नाइन्थेन्थ तो एक्चुअली क्या है आप जब ग्रुप ज्वाइन करोगे तो यहां पे भी आपको क्लासेस के डायरेक्ट क्या होते हैं एडुकेटर्स अपनी क्लासेस के लिंक यहाँ पे शेयर करते हैं तो आप कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे और आपको जब रिविजन करना होता है बच्चे देखिए यूट्यूब पे जाकर के क्लासेस सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन वहां पे आप जाके क्लासेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली आपको लिंक वहाँ से मिल जाएंगे कभी भी एनी टाइम पुरानी वीडियोस भी आप जाके देख सकोगे तो ये हुई फायदे की बात बात करते हैं अन की तो अन आप बच्चों, बच्चों ने जिन बच्चों ने अभी तक अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर इंस्टॉल करने बच्चे क्योंकि इंस्टॉल करेंगे तभी तो इसके बेनिफिट सर्विसेज उठाएंगे आप क्यूज़ अटेंड कर पाएंगे स्पेशल क्लासेस की सर्विसेज अटेंड कर पाएंगे तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया है क्या करना है अन टाइप कीजिए अन लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल कीजिए स्टॉल करने के बाद आपका क्या स्टेप आता है सब गोल बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा तो गोल बैलेंस करना है जो बच्चे क्लास नाइन्थ में वो नाइन्थ करेंगे जो क्लास टेन्थ में वो टेंथ का करेंगे जो इलेवेंथ में इलेवंथ करेंगे इसी तरह से आपके प्रेफरेंस आप के अकॉर्डिंग बहुत सारी यहाँ पर दी गई है तो जो चीज चीजें करना चाहते हैं वो गोल बैलेंस करेंगे देन आपको सेलेक्ट करना है स्पेशल क्लासेस सेलेक्ट कीजिएगा तो स्पेशल क्लासेस के बेनिफिट्स उठा पाइएगा तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जैसे आपको पता है ये अन अकेडमी आपका क्या है एक आपका क्या है एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर प्रोवाइड कराता है ये आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर प्रोवाइड कराता है इंडिया के हर छोटे बड़े क्या होता है हर छोटे बड़ी सिटी से कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कोटा के टीचर से पढ़ सकते हो आप घर बैठे बंसल की क्लासेस ले सकते हो आप आ, के टीचर से पढ़ सकते हो घर बैठे बड़ी से बड़ी जो भी कोचिंग क्लासेस है उनके टिकेट से आपको घर बैठे आपके सिर्फ एक मोबाइल के स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं लाइव क्लासेस ले सकते हैं तो ये लाइव क्लासेस आपको इसके लिए ना कोटा जाने की जरूरत है ना किसके लिए कहीं अपने शहर मतलब गांव में रहते तो आपको शहर जाने की जरूरत है बच्चे घर बैठे क्लास लीजिए अब रही बात क्लास तो अटेंड कर ली अब इसके अलावा क्या और डॉट सेशन अब आपको डाउट होता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है अब क्या कैसे करेंगे हम क्लास जाते तो हम तो वहाँ टीचर से पूछ लेते कि सर ये बता दीजिए कोई बात नहीं बच्चे आपके लिए एन डॉट भी, भी लेके आया है लाइव क्लासेस में से डॉट सेस रखे जाते हैं सो दैट यहाँ पे क्या होता है देखिए एक तो प्लस में बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं तो ऐसा भी भाग भीड़ भाड़ वाली नहीं है कि इतने सारे बच्चे होंगे कैसे पूछेंगे नहीं लिमिटेड बच्चे रहते हैं आप अपने डॉट्स पूछिए लाइव क्लासेस में अपने फेवरेट एडुकेटर्स से क्वीच में पार्टिसिपेट लीजिए आपको क्वीज होता है बच्चा सैम्पल्स पेपर दिए जाते हैं सो so दैट आपको पूरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और क्या चाहिए ये सब आपको मिलता है वो भी कितने मात्र देखिए सालाना देखिए क्या कॉस्ट है सब फिफ्टीन थाउजेंड उसमें भी फिफ्टीन थाउजेंड में प्रियंका यू वी कोर्ड अप्लाई करने पर आपको डायरेक्ट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर डायरेक्ट आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है सब थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के कॉस्ट पड़ जाएगा तो जो कि आपको देखिए कितने के बजट पे आता है बहुत ही लेस अमाउंट में आपको पर मंथ पड़ता है इतना तो आपको टीवी का रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज मिला के हो जाता होगा तो इतना तो हम अपनी पढ़ाई की स्टडी पर कर ही सकते हैं ना क्योंकि स्टडी ही तो हमें आगे हमारा फ्यूचर सेट करता है ना बच्चा अब चलिए तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की बातें हो गई अब इसी तरह से प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक और अनकेडमी एक और फीचर लेके आया है आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब अगर प्लस पे भी आपको क्रॉड ज़्यादा लगता है तो इसके लिए क्या लेके आया है आया जो यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो आपको पर्सनल मेंटर ही प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे एक मेंटर वन टू वन समझते हैं ना एक पे एक, एक बच्चे पे एक टीचर ऐसा रहता है सीन यहाँ पे तो आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड होता है जो हर चीज़ के लिए आपको गाइड करेगा वीकली रिपोर्ट्स आपको देगा आपको एनालाइज़ करेगा कहाँ पे कैसे क्या आपका स्टडी प्लान करेगा और क्या चाहिए सब कुछ तो आपको यहाँ पे करके मिल रहा है आपको बस क्या करना है स्टडी करना है बाकी सारी प्लानिंग क्या होगी उसकी किसकी तरफ से अन की तरफ से होगी डॉट्स हो रहे हैं एक टीचर बैठ के आपको डॉट सॉल्व कराएगा साथ ही साथ आपकी गाइडेंस से मीट भी गाइडेंस को भी फीडबैक देगा उनको भी उन उनसे बैठ के वीकली रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ शेयर की जाएगी तो एक साल का ये लेते हैं बच्चे तो इसके लिए आपको पे करना पड़ता है ट्वेंटी एट थाउजेंड बट यहाँ पे भी आपको प्रियंका यू वी कोड अप्लाई करते हैं प्रियंका यूवी कोड जरूर अप्लाई करें तभी आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा तो कोई बात नहीं यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिलता है तो बच्चे ये देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको प्लस की तो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं साथ ही ये आपकी कुछ खास जो आपको सर्विसेज बताई ये भी आपको यहाँ पे मिलती है चलिए स्टार्ट हम अपने सेशन पे बात करते हैं आज हम सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिजिक्स का ये शायद फिजिक्स का फर्स्ट सैम्पल्स पेपर मैं डिस्कस कर रही आप लोगों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अ वर्स फ्रोम पोजिशन पी अब द ग्राउंड इट राइज टू द दाइस्ट पॉइंट क्यू एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट पी इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉल अब क्या पूछा बोला जा रहा है एक बॉल है जिसको क्या एक ग्राउंड से ऊपर एक पोजीशन है पी पोजीशन पी पोजीशन से क्या किया गया है उसको वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया अब वो क्या करता है एक हाईएस्ट पॉइंट क्यू पे पहुंचता है एक हाईएस्ट पॉइंट पी से फेंकने पे क्या हुआ क्यू तक पहुंचता है और फिर क्या होता है देन रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट पी देन क्या होता है ये वापस कौन से पॉइंट पे आ जाता है पी पॉइंट पे व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी को डिस्टेंस को कहा जाता है तो बॉल यहाँ से पी पॉइंट पे जाने के बाद वापस पी पे ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया और डिस्टेंस डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं होता डिस्टेंस तो पाथ का टोटल लेंथ होता है तो ये वापस जाने के बाद फिर वापस उसने इतना ही क्यू पे आ, पी पे आया तो सेम डिस्टेंस कवर किया मतलब ये डबल डिस्टेंस हो गया ना तो आंसर क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे सर जीरो एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन पोजिशन पी एंड क्यूस तो डबल हो गया इस क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कितना लंबा था ना चार लाइन का क्वेश्चन है बट आंसर सिंपल दो एक लाइन में ही कंप्लीट है तो यही होता है बच्चे कभी कभी क्वेश्चंस बहुत भारी वर्ड्स में लिखे जाएंगे बट आंसर कंफ्यूज नहीं होने का आप अपने कॉन्सेप्ट टिके रहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है मैम ने ये पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट तो यही होना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉडी इज मूविंग विद द वैलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एक बॉडी क्या है मूव कर रहे कितने टेन मीटर पर सेकेंड की वैलोसिटी से इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म बी दैलोसिटी आफ्टर टेन सेकेंड क्या बोला जा रहा है एक बॉडी है जो टेन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहे अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म है तो वेलिसिटी आफ्टर टेन सेकेंड क्या होगी सोचिए सोचिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही आंसर छिपे हैं क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है मोशन क्या है मोशन आपका यूनिफॉर्म में है तो मोशन यूनिफॉर्म में है तो दस सेकेंड के बाद भी क्या होगा वेलोसिटी सेम ही रहेगी इस क्वेश्चन में था ही नहीं आंसर अगर मोशन यूनिफॉर्म में है तो क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा दस सेकेंड बाद भी वेलोसिटी थोड़ी ना उसमें बढ़ जाएगी तो क्लियर आंसर आंसर आप लिख सकते हैं इस तरीके से As the motion is uniform, the velocity remains 10 meter मीटर पर सेकेंड आफ्टर टेन सेकेंड सा आंसर था ना चलिए नेक्स्ट बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता है आंसर सही दिया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या करता है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द टाइम टेक इन वेन एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल पढ़िए क्या करें हाउ आर दस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा ट्रेवल किया जाएगा ऑब्जेक्ट द्वारा रिलेटेड टू द टाइम टेक इन वेन एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स क्या ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो देखिए सिंपल क्या क्वेश्चन बोल रहा है सोचिए बच्चे क्या है क्वेश्चन समझिए आंसर कैसे कीजिएगा आपको हम लोग को पता है कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वहाँ पे उस जो मूवमेंट कैसा होगा उसकी वो यूनिफॉर्म स्पीड में होगी यूनिफॉर्म स्पीड में है तभी तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इक्वल uh, uh, क्या टाइम ऑफ इंटरवल में इसका मतलब ये सो क्या सो करता है कि डिस्टेंस क्या डिस्टेंस क्या होगा कैसे ट्रेवल करेगा इसका मतलब ये से, uh, ये सो कर रहा है ना कि डिस्टेंस जो ट्रेवल ऑब्जेक्ट uh, वाला ट्रेवल किया गया वो क्या होगा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम जो जितना लिया है सिंपल सा क्वेश्चन था तो कैसे आंसर कीजिएगा इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल वाई द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन क्लियर चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया नंबर फोर्थ ओहो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं बताइए कैसे डिस्क्राइब करते हैं सपोज आपसे पूछा जाए कि आप बताइए आपके घर से स्कूल की लोकेशन सपोज uh, आपकी स्कूल uh, की लोकेशन पूछी गई है तो आप कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा आप भी बताइए ना मेरे घर से ये कितना सपोज आ, कि मेरे घर से ये अगर सपोज आपका स्कूल पास में ही है तो दस हाउस छोड़ के मेरा स्कूल पड़ता है या दस मीटर स्ट्रेट जाने पे आप लेफ़्ट टर्न लीजिए तो आ, मेरा स्कूल आता है इस तरीके से किसी भी स्कूल नहीं कोई हॉस्पिटल हो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं किसी की लोकेशन तो एक क्या हम लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जिससे हम किसी भी चीज की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं सपोज रेलवे स्टेशन ही बताना है एयरपोर्ट बताना है तो किसी एक पर्टिकुलर एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जहां से उस चीज के लोकेशन को डिफाइन किया जाता है तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या करेंगे टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट द टूफाजन यही बात कह रही थी मैं कि एक ओरिजिन की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को बताने के लिए एज सच एग्जाम्पल लीजिए सपोज डेट अ लाइब्रेरी इन अ सिटी इज टू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन सपोज एक क्या है एक लाइब्रेरी है सिटी में जो दो किलोमीटर क्या है नॉर्थ है किसके नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के तो क्या बताया वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द लाइब्रेरी विथ रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट इस में हमने देखा रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में इन दिस केस द रेलवे स्टेशन एक्ट एज द रेफरेंस पॉइंट इस केस में रेलवे स्टेशन क्या किया एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट किया तो किसी भी लोकेशन को क्या होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ऑरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू इज गिवेन इन द फॉलोइंग टेबल दो ऑब्जेक्ट आपके पास पी और क्यू का डाटा आपको उसके मोशन के रिगार्डिंग दिया गया है टेबल में एग्जामिन द एग्जामिन द एग्जाम के, दे केयरफुली एंड स्टे वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म या नॉन तो आपको इस टेबल को इसके मोशन को दे इस टेबल में इसके मोशंस को, इस को देख करके आपको फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं ये टेबल तो ये पी के ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है मीटर में और ये दिया गया है आपके क्वी क्यू ऑब्जेक्ट के द्वारा मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है तो क्या दिखाता है नाइन थर्टी ए एम में पी ऑब्जेक्ट ने टेन मीटर डिस्टेंस कवर किया देन नाइन फोर्टी फाइव में ट्वेंटी टेन ए एम में थर्टी टेन फिफ्टीन में फोर्टी टेन फिफ्टीन में फिफ्टी टेन फोर्टी फाइव में सिक्सटी इलेवन ए एम में सेवेंटी तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है थर्टी टू फोर्टी फाइव मतलब हर पंद्रह मिनट के इंटरवल में ये क्या कितना आ, दस से क्या हुआ बीस पे आया टेन मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल आप देखो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहे हो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है चलिए तो ये पी तो क्या हो गया इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बी तो पंद्रह मिनट में ये फर्स्ट ट्वेल्व पे था देन क्या देख पंद्रह से uh, मिनट में कहा गया नाइनटीन मीटर पे आया मीन सेवन नाइनटीन से फिर ट्वेंटी थ्री पे मतलब <coughs> क्या हुआ फोर मीटर से क्या आ गया थर्टी फाइव पे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना इसका डिस्टेंस जो है अन है बट टाइम ऑफ इंटरवल क्या इक्वल ही है तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या हो गया ये इसकी स्पीड क्या है तो स्पीड ये मोशन क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा ये क्या है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टेवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये चीज क्लियर हो गया तो आंसर कैसे लिखेंगे सिंपल का इस तरीके से आंसर हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट पी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ टीन मीटर इन एवरी फिफ्टीन मिनट्स इन अदर वर्ड्स इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टेवल ऑफ टाइम सो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज क्या है यूनिफॉर्म मोशन है एंड दूसरे अदर हैंड द ऑब्जेक्ट क्यू कवर सेवन मीटर फ्रॉम नाइन थर्टी एम टू नाइन फोर्टी फाइव एम फोर मीटर नाइन फोर्टी फाइव एम टू टेन में अगले पंद्रह सेकेंड में पंद्रह मिनट में इसने क्या चार फोर मीटर डिस्टेंस कवर किया एंड इसी तरह से कंटिन्यू कर रहा है इन अदर वन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ये क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ इनर्सिया देखिए आपको देख लीजिए तो लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है राइट द काइंड्स ऑफ इनर्सिया आपके टू थाउजेंड ट्वेल्व में सीबीएसई में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है आपके सीबीएसई uh, एग्जाम्स uh, में बट मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया राइट द काइंड्स ऑफ इनर्सिया आपको फाइंड आउट करना है लिखना है तो क्या लिखेगा इनर्सिया सबसे पहले होता क्या है इनर्सिया क्या है वॉट इज इनर्सिया इनर्सिया क्या है किसी भी मैटर की क्या होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है क्या है इनर्सिया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो क्या करती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है या तो क्या, में, तो क्या रेस्ट रेस्ट में में रहता है या तो अगर मोशन में है तो क्या होगा वो सेम लाइन में क्या होगा मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो आपको यह पूछा जा रहा है कि राइट काइंड्स ऑफ इनर्सिया इनर्सिया के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स काइंड्स लिखिए किस किस प्रकार की इनर्सिया होते तो इनर्जिया ऑफ रेस्ट होता है इनर्जिया ऑफ मोशन होता है इनर्जिया ऑफ क्या होता है डायरेक्शन होता है कैसे आंसर लिखिएगा इनर्जिया ऑफ रेस्ट इनर्जिया ऑफ मोशन एनर्जी ऑफ डायरेक्शन एनर्जी ऑफ रेस्ट क्या होता है ये तो लिख दिया एनर्जी ऑफ रेस्ट क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या तो क्या होती है क्या रहता है रेस्ट में रहता है जब तक जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या होगा वो रेस्ट में ही रहेगा इनर्जी ऑफ मोशन में क्या मोशन क्या है तो कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट तब तक जब अगर वो मोशन में है तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो उस पर ठीक है तब तक उसकी क्या होगी वो सेम स्पीड से मोशन में ही रहेगा अब इनर्जी ऑफ डायरेक्शन क्या है तो इनर्जी ऑफ डायरेक्शन जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक जो मोशन क्या होगा वो सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होगा मूव कर रहा है सपोज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल external... अचानक गाड़ी क्या होती है गाड़ी जब स्टे... हम चला रहे होते हैं ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्ट्रेट लाइन में तो रोड पे चलती है तक हमें डायरेक्शन जब तक उस पर अच्छा, वो हम क्या करते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो क्या होता है डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो यही क्या होगी ऑफ डायरेक्शन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकल लॉफ सोचिए सोचिए कैसे आंसर कीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करना है सेकल ऑफ मोशन से तो सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही क्या है लॉ ऑफ इनर्सिया कहलाता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इनर्सिया की बात की थी हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ये बोलता है कि कोई भी बॉडी क्या है या रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में है मोशन में रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है द जो फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे वो किसके इक्वल होता है वो इक्वल किसके होता है? इक्वल टू एम ए यही है ना अब इससे हमें मैथमेटिकली uh, प्रूव करना है फर्स्ट इक्वेशन को तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन on वेलोसिटी जीरो लॉ हमारा क्या करता है मोशन का देता है ऐसा F इक्वल टू एम ए अगर सपोज हमने F इक्वल टू zero लिया तो यहाँ पे acceleration भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब क्या होगा बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी क्लियर हो गया मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल टर्म्स में था बच्चे अगर क्वेश्चंस ये आप लोगों ने नहीं किया इस तरीके का तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस माइंड में रखिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बुलेट फायर फ्रोम गोर डेंस एन एयर मॉलिकूल क्वेश्चन क्या जा रहा है वो एयर मॉलिक्यूल वो ज्यादा डेंजरस होता है किससे एयर मॉलिक्यूल से वो पर्सन को ज्यादा हिट करता है तो बोथ बुलेट एंड एयर आर मूविंग जबकि दोनों बुलेट और एयर मॉलिकल्स क्या होते हैं सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं बट फिर भी जो बुलेट जो गन से निकलती है वो ज्यादा हीट करती है पर्सन को क्यों वट इज द रीजन बिहाइंड इट क्या रीजन है इसके पीछे सोचिए पढ़ा है आपने तो ये कौन से लॉ पे वैसे कौन से लॉ पे ये अप्लाई होता है तो यहाँ पे आपका क्या एप्लीकेबल हो रहा है कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे बच्चे तो यहाँ पे आपका बिकॉज किसके कारण होता है दिस इज बिकॉज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे सब कुछ फंडा किसका है मोमेंटम का है जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो ज्यादा हीट कर रहा है जिसका मोमेंटम कम है दैट्स वाई वो कम हीट दोनों तो का स्पीड वेलोसिटी सेम ही है फिर भी यहाँ पे मोमेंटम की, की कारण ये चीज हो रहा है तो मोमेंटम यहाँ पे क्या है मोमेंटम जो वेट का है मोमेंटम वैसे होता है क्या है मोमेंटम आपको पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम यहाँ पे बुलेट का क्या है मोमेंटम ज़्यादा है कंपेयर टू किसके एयर मॉलिक्यूल के मोमेंटम के कंपेयर में बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा है क्यों क्योंकि यहाँ पे बुलेट का मास क्या है बहुत लार्ज है कंपेयर टू एयर मॉलिक्यूल्स दैट्स वाई वो ज़्यादा क्या होता है फोर्स एग्जर्ट करता है पर्सन पे इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा ये तो मैंने बता दिया लेकिन वर्ड्स में कैसे लिखना है तो बर्थ में आप कैसे लिखिएगा इस तरह के आंसर्स को दो लाइन के सपोज इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको तो कैसे इसको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना होगा ना द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट इज वेरी लार्ज देन द मोमेंटम ऑफ द एयर मॉलिक्यूल एज द मास ऑफ बुलेट इज वेरी लार्ज दैट ऑफ एयर मॉलिक्यूल एन वुलेट एंड एयर मॉलिकुल ईट अ पर्सन देन द मोमेंटम ट्रांसफर टू दर्सन वाई अट इज वेरी लार्ज देन द मोमेंटम ट्रांसफर बाई द एयर मोलिकुल वही बात हुई जैसा बताया कि मोमेंटम के कारण अब बुलेट और तो एयर मोलिकुल जब पर्सन को हीट करते हैं तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या हो जाता है किसमें ट्रांसफर जैसे आपने पढ़ा था हमने पढ़ा है कि तो टोटल कटजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो जब कोलाइट करते हैं तो क्या होता है मोमेंटम क्या हो जाता है दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है तो जो मोमेंटम क्या हुआ ट्रांसफर हो गया बुलेट से किसमें पर्सन में वो वो क्या वो एयर मॉलिक्यूल कंपेयर में जो मोमेंटम होता है उससे बहुत ज्यादा होता है दैसवाय लार्ज फोर्स एक्सर्ट पर्सन पे होता है दैट्स वाय उसको चोट ज्यादा लगती है तो क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्लास वेयर्स आर रेप इन डूरिंग दियर ट्रांसपोर्टेशन गिव रीजन ये भी आपका टू थाउजेंड ट्वेल्व में क्वेश्चन पूछा गया है देखिए कोई बात नहीं आपके क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं क्वेश्चन देखिए सिलेबस अपना तो वही है उसी सिलेबस से क्वेश्चन घुमा फिरा के बस शब्दों के माया जाल होते हैं ना वो इस तरीके से घुमा फिरा के आपको दूसरे टर्म में पूछ देगा दूसरे वर्ड्स में पूछ देगा तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लास वेयर्स को रैप किया जाता में है में डूरिंग दियर ट्रांसपोर्टेशन क्यू वट इज रीजन रीजन बिहाइंड इट इसके पीछे क्या रीजन है तो यहां भी कुल मिला के बात किसकी होती है यहाँ भी कुल मिला के बात आई है मोमेंटम की इसके पीछे भी क्या रीजन है मोमेंटम ही है ग्लास वे को रैप किया जाता है स्ट्रॉ में क्यों क्योंकि जब बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि बहुत ब्रेकेज टूटने के भी चांसेस होते हैं अगर सपोज वो गिर जाते तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा जो भी टूटने के दौरान क्या जो आपस में कोलाइड करते हैं अगर सपोज तो क्या होगा जो इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा वो टाइम लेगा लार्जर टाइम लेगा किसमें ग्लास तक पहुँचने में किससे थ्रू द स्ट्रॉ स्ट्रॉ के थ्रू पहुंचने में जो टाइम जो होगा जो, जो भी इम्पैक्ट इनका होगा वो ज्यादा टेकिंग हो, होगा सो दैट ब्रेकेज के चांसेस कम है दैट्स वाई क्लास वेयर को रैप किया जाता है स्ट्रॉ में तो समझ गए इसका क्लियर आंसर चलिए इसको आंसर कैसे कीजिएगा डूरिंग ट्रांसपोर्टेशन During transportation, the glass wheels may break if they collide with each other in the event of jugs. When they are wrapped in the straw, the force of jugs is transmitted to them through the pieces of straw in a longer period of time. Thus, the change in momentum of the glass wheels takes place in a longer period of time. Therefore, a very small force is experienced by them in the event of jugs and they do not. उनके मोमेंटम को कम करने के लिए सो so दैट कि वो कम फोर्स वहां पे क्या उनका आ, एक हो दैट्स ब्रेक के के चांसेस बहुत कम हो तो इसीलिए ग्लास वेयर को रैप किसमें किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रॉ में चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेंथ है हमारा सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडेली बिकम्स जीरोक्शन विल मून विगीन टू मूव नो अद्रियल बॉडी अब आपको क्या पूछा जा रहा है सपोज ग्रेविटी अचानक से अर्थ की क्या हो जाए जीरो हो जाती है तो किस डायरेक्शन में मून क्या होगा मूव करेगा अगर सपोज वहां पर कोई भी अदर बॉडी कलेस्ट्रियल बॉडी एफेक्ट नहीं करता है उसे तो, तो यहां पर क्या होगा सोचिए ग्रेविटी अचानक से क्या होगी अर्थ की जीरो होगी अगर अचानक से अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो गई तो वहां पे क्या होगा तो वहां पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा था तो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा था तो वो क्या करेगा मून को मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ में वहां पे कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं होगा दैट्स वाइज वहां पे क्या होगा मून क्या हो जाएगा मून कहाँ पे चला जाएगा मून टेंजेंट uh, uh, जो भी होगा सर्कुलर ऑविड उसके टेंजेंट में क्या हो जाएगा मूव करता चला जाए क्लियर हुआ समझे कैसे होगा ये चलिए इसका आंसर कैसे कीजिएगा देखिए द मून विल विगीन टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा द मून गू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज मूविंग एट द इंस्टेंट उन क्या होगा किधर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में इज इधर क्या विच इट वॉज मूविंग एट द इंस्टेंट बिकॉज द सर्कुलर मोशन ऑफ मून इज टू टू सेंट्री पोटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दर्थ कि जो सर्कुलर मोशन मून का था वो किसके कारण था सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण था जो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा था अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अचानक से जीरो होगी तो वो उसी लाइन में क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा अब मतलब मूव करता जाएगा क्लियर अब इसी पे एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन है अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाई ग्रेविटेशन ऑफ सन दॉट फॉल इन टू द सन ये अर्थ क्या होता है एक्ट करता है सन का ग्रेविटेशन जबकि ये क्या होता है ये उस अर्थ सन की तरफ उसमें खींचा हुआ नहीं चला जाता डज नॉट फॉल इन टू द सन वाई क्यों यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी आपको वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन एक्शन अगर सन का वहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स भी उसके अगेंस्ट में कर, आ, अप्लाई हो रहा है अर्थ की तरफ से जो उसको वहाँ पे स्टेबल बनाए रखता है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दिन द अर्थ टू मूव अराउंड डिफाइंड पाथर्बिट सो द अर्थ दॉट फॉल इंटू दर्थ क्या है अपने ऑर्बिट में रोटेट करती रहती है और इसी रीजन से वो सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि और क्या हो रहा है यहां पे सेंट्री फोर्स अप्लाई हो रहा है लग रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है नेक्स्ट ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कंटिन्यू क्या हो रही है और डिक्रीज हो रही है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन करता है क्यों इसका रीजन देना है सोचिए पोटेंशियल एनर्जी किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है क्या और ये लॉ ऑफ इंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है क्यों तो सबसे देखिए सपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय यही बोलता है ना आपका लॉग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है इनर्जी कैन नियर नीदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय तो जब क्या होता है जब आपका फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब वो क्या हो रहा है एक सेकेंड वो तो जब क्या हो रहा है कंटिन्यू गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है इसकी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बट डिक्रीज होती है तो बट इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके मोशन के कारण पोजिशन के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बट इसकी काइनेटिक एनर्जी पोजिशन के कारण क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या हुआ है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिट्रॉ एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही ना एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी वो कंटिन्यू कहा जा रही है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाट एवर इज़ द डिक्रीज इन पोटेंशियल ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइट सेम इज द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द इंक्रीज इन द वैलिसिटी ऑफ तो यहाँ पर क्या हो गया जो एनर्जी उसके हाइट के कारण लॉस हो रही थी वही उसके पोजिश वेलोसिटी के कारण क्या हो गई उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो कहाँ से ये वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सो फॉलो ये तो फॉलो तो कर रहा है ना तो चल ये करेक्ट क्या हुआ करेक्ट हो गया इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं तो टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन थे बच्चे आपके फिजिक्स के सैंपल्स क्वेश्चन के लिए लेके आई थी आई होप तो सारे क्वेश्चन ज़्यादा देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं थे बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत बेसिक था जहाँ पे आपके थोड़े से क्या हो सकते हैं थ्योरी तो पढ़ते हैं लेकिन क्या होता है ना क्वेश्चंस करते समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज अ सैम्पल पेपर्स लेके आऊँगी डिस्कस करूँगी तो आज की क्लास यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ इतने ही क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जैसे कि डेली बच्चे आपको बताती हूँ कि टेंथ जैन को डोंट मिस दिस चांस बच्चे टेंथ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए 11 टू तो ट्वेल्व पी का टाइम टाइम पे आपको फ्री रहना आपको आपको क्या देना ऑल इंडिया चैम्पियनशिप प्रोग्राम अकेडमी एंड फिर से आ रहा है तो रेडी रहिए किसके लिए स्कॉलरशिप फाइव लाख तक जीतने का मौका मिल रहा है बच्चे तो इसके लिए आप रेडी रहिए तैयार रहिए आपको मौका मिल सकता है फिर से जो बच्चे पिछले ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे अच्छे रैंकिंग नहीं ले पाए थे मेक श्योर sure इस बार वो अच्छा करें बच्चे तो मार्क दिस डेट बच्चे टेंथ जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और जैसा कि आपको अन अकेडमी की सर्विसेज स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स उठाने की बात करती हूँ इसका प्रोसेस तो देखिए आप जब मेन्यू बटन सेलेक्ट करने के बाद जब स्पेशल सेलेक्ट करते तो आपको वहाँ पे इनवाइट कोड का ऑप्शन मांगता है तो इनवाइट कोड जब आपसे पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे पुट करना है प्रियंका एसी प्रियंका एसी पुट कीजिएगा तभी आप स्पेशल क्लासेस फ्री प्लान आप सर्विसेज उठा पाइएगा बच्चे तो डोंट मिस जिस चांस हमेशा ये कोड याद रखने का प्रियंका एसी तभी आप स्पेशल मेरी क्लासेस जो भी स्पेशल पे है आप ले सकते हैं बाकी अन अकेडमिक यूज तो जैसे कि बच्चे हर क्लास में मैं आपको अनएकेडमिक यूज़ करवाती ही हूँ जिसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए सो देट कभी भी जब रेंडमली मैं आपको अन अकेडमिक यूज़ कराऊँ तो आप इससे ऐसा ना हो कि अवेयर ही ना हो क्या प्रोसेस है कैसे करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल आपको फ़ोन में तो रहना ही चाहिए नहीं है तो जल्दी से आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए देन क्या करना है लॉग इन कीजिएगा लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद आपको गोल मांगता है गोल में आप क्लास नाइन्थ में है तो आप क्लास नाइन्थ सेलेक्ट कीजिए क्लास टेंथ में है तो तेन सेलेक्ट कीजिए उसके बाद क्या करना है आपको मेन्यू बटन आपको कहाँ दिखेगा लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन के नीचे आपको क्या दिखेगा प्लस आइकॉन दिखेगा प्लस आइकॉन पे सेलेक्ट करना है प्लस आइकॉन पे सेलेक्ट कीजिएगा तो स्क्रीन के बॉटम में स्क्रीन के बॉटम में आपको लेवल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा टेस्ट पे आपको क्लिक करना है टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ज्वाइन क्यूज या एंटर द कोड मांगता है तो जब भी एडुकेटर आपके जो भी एडुकेटर है सपोज मैं हूँ या आपकी कोई भी एडुकेटर जब वो आपको क्यूज़ कंडक्ट करवाती है तो आपको एक कोड प्रोवाइड करेगी तो उनका कोड वहाँ पे पुट करना है देन आप क्यूज़ में पार्टिसिपेट कर पाइएगा तो ये रहा है अकेडमिक क्यूज़ पार्टिसिपेट करने का और बच्चे क्या करना है क्लासेस आई होप सो मुझे पता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए बच्चे और जिन्होंने अभी तक जस्ट नाइन्थ और तो टेंथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने का और उसके बाद क्या करना है बेल आइकॉन तो आप देख रहे होंगे तो ये क्या करना है आइकॉन को आप क्या कीजिए प्रेस कर दीजिए सो दैट सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए एंड लास्टली आपको प्रियंका यू कोड हमेशा याद रखना है तो ये कोड क्यों है हमेशा याद रखना है क्योंकि ये कोड याद रखोगे बच्चे तब भी तो याद अ रेफुलर कोड है मेरा कि कोड को आप आ, क्या करते हैं कोड से आपको डायरेक्ट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है कोई भी कोर्स आप जब अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन कोई भी कोर्स का तो आपको डायरेक्ट वहां पे टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है तो ये कोड हमेशा याद रखिए कोड को भूलिए मत हमेशा मार्क कर लीजिए सो देट कभी कोर्स लें या किसी को रेफर भी कर सकते हैं कि या कई भी कोड अप्लाई करके वो कोई कोर्स परचेज करना है तो ये कोड हमेशा वहाँ पर अप्लाई करें सो देट आपको डायरेक्ट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए तो बच्चे इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पे बारह बजे बच्चे यूट्यूब पे तब तक के लिए बाय बच्चों टेक केयर ध्यान रखिएगा अपना